है किसी को लगी लुगी नहीं, इतना हैवी है यार ये चंद्रयान पे आजकल बहुत बवाल हो रहा है पाकिस्तान में, उनके झंडे पे चांद है और हम चांद पे हैं। एवरीवन वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो भाई आज तो हद ही हो गई है, पिछले 20 मिनट से मैं जाम में फंसा हुआ नोएडा के, पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया है, बहुत ही लंबा ट्रैफिक है। देखो अगर कोई गाड़ी इसके साथ में चल रही होगी तो उसका क्या हुआ होगा, शुक्र है किसी को लगी लुगी नहीं। ठीक ठाक तो निकल रहे हैं सब, इतना हैवी है यार ये, जो भी सामान लेके जा रहा था ये बहुत हैवी सामान लेके जा रहा था। ओ भाई क्या ये इतना बड़ा, और आगे कोई ट्रैफिक ही नहीं है यार, देखो इतनी देर से पीछे, इस वजह से बस हम अटके हुए थे, और आगे जीरो ट्रैफिक है, पूरी रोड खाली पड़ी है। सो फाइनली ऑफिस पहुंच गया हूं मैं, पूरा आधा घंटा लेट, तो मिलते हैं शाम को ऑफिस के बाद। सो अभी बज रहे हैं 4, मैं ऑफिस से निकल गया हूं और मैं अपने फ्रेंड के पास आया हूं, तो आज है वीकेंड, देखते हैं आज तो घर लेट ही जाऊंगा मैं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं कहीं। सो यार चंद्रयान पे आजकल बहुत बवाल हो रहा है पाकिस्तान में, मतलब उनको तो कुछ को तो कह रहे हैं हम चांद पे रहते हैं, कुछ को बिलीव नहीं हो रहा, और बवाल हो भी क्यों ना, उनके झंडे पे चांद है और हम चांद पे हैं, बवाल तो हो गई। Hey, come look at this. लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए, नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या रहेगा। ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में, रियलिस्टिक खबर नहीं है ये, लाइव दिखाया गया है सर, लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में। पाकिस्तानी फनी रिएक्शन ऑन चंद्रयान 3 टीवी, इंडिया का मिशन मून कामयाब हो चुका है, चंद्रयान 3 कामयाबी से मून के साउथ पोल पे लैंड कर चुका है और साथ ही साथ कई रिकॉर्ड भी बना चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता। नहीं मतलब हम तो चांद पे नहीं रह रहे हैं, चांद पे पानी है, पानी नहीं है, हाँ तो इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है, इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी है, फनी है पाकिस्तान बहुत फनी है, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ऐसे ही है, या जो हमारे अभी स्टूडेंट हैं, हाँ जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। जी बेशक ब्रॉडकास्ट बहुत आगे है और उसकी मैं वजह भी एक्सप्लेन, बेसिक ये जानता हूँ उर्दू भी नहीं हम सही बोलते हैं। देखिए अगर हम कोई चीज अचीव कर पा रहे हैं ना तो वो एक सिर्फ एक मुल्क नहीं अचीव कर पा रहा, वो एक ह्यूमन काइंड पूरी अचीव कर पा रही है, तो हम यहाँ इतनी इंडिया से क्यों नफरत भाई, उससे सीखो कहाँ चला गया, 5वें नंबर पे इकोनॉमी आ गई, जिस मोदी को कहते थे ये इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखे मुल्क कितने लेके, सही बात बोल रहा है लड़का, सही बात। जी तो दोस्तों मैं हूँ सुहेब चौधरी, व्यू कितना अच्छा आ रहा है सामने, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यार।